हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और ये है हमारा लेसन 3। इसके अंदर हम डोमेन होस्टिंग वर्डप्रेस की वेबसाइट पूरा बना के बिल्ड करेंगे और पूरा प्रैक्टिकल वर्क होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर पूरा एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू लेसन 3। और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हम अपना डोमेन परचेज करने वाले, होस्टिंग करने वाले और अपने जो वर्डप्रेस का ब्लॉग है उसको सेटअप करने वाले। पूरा प्रैक्टिकल वर्क होगा, कहाँ क्लिक करना है, कैसे क्लिक करना है, पूरी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आई प्रॉमिस इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे और आपके ब्लॉग को सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्री होस्टिंग वर्सेज पेड होस्टिंग के अंदर क्या फ़र्क है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना। देखो, फ्री होस्टिंग के अंदर होता क्या है, कुछ भी चीज़ फ्री नहीं होती। अगर आपने एक बार फ्री वाली होस्टिंग ले ली तो आप एंड में जाके बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि कभी आपकी वेबसाइट ब्रेक डाउन हो जाएगी, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, राइट। आपको इसमें लिमिटेड सर्वर रिसोर्सेज मिलते हैं, अगर ज़्यादा ट्रैफिक आ गया कभी भी क्रैश हो जाएगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी या कुछ भी चीज़ें होती है तो आपको लिमिटेड सर्वर से रिस्पॉन्स मिलता है, इसलिए फ्री वाली होस्टिंग पे हमें नहीं जाना है। लिमिटेड कस्टमाइजेशन मिलता है आपको, हर चीज़ कस्टमाइज़ नहीं कर पाओगे। दूसरी कंपनी का लोगो दिख रहा है कहीं पे, कुछ चीज़ है बहुत अनोइंग, आप उसको हटा ही नहीं पाओगे। तो फ्री होस्टिंग में ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अनस्टेबल परफॉर्मेंस, हमेशा आपका डाउन टाइम चलता रहेगा, कभी अप टाइम हो गया, कभी डाउन टाइम हो गया। आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, आपकी मार्केट में जो ब्रांड वैल्यू बनी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगी। अगर कोई खोल के देखता है तो एक घंटे तक वो घूमता रहेगा और आपकी वेबसाइट बहुत लेट खुलेगी। कोई भी टेक्निकल सपोर्ट आपको नहीं मिलता। अगर आपकी वेबसाइट गलती से भी हैक हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो कोई भी टेक्निकल सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फ्री की होस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसके बहुत सारे कॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे, ठीक है। हिडन फीस, आपको जब भी आप इसको खरीदने जाओगे स्टार्टिंग में फ्री दिखाएंगे, लेकिन जो उसकी हिडन फीस होगी कुछ ना कुछ आपको पे ज़रूर करना पड़ेगा। एंड एक्सपेंसिव रिन्यूअल फीस होती है इसकी, यहाँ पे इसकी फीस हमेशा ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आज आपने फ्री में कोई होस्टिंग खरीद ली कुछ पैसे देके, लेकिन उसका जो रिन्यूअल होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लाइक 5,000-4,000 महीने का ऐसे जाने वाला है। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, इससे अच्छे और बहुत सारे ऑप्शन है। पेड होस्टिंग के अंदर आपको अनलिमिटेड स्पेस मिल जाता है, ब्रैंडविड्थ मिल जाती है और ईमेल्स मिल जाते हैं, ठीक है। वन क्लिक इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस, एक क्लिक के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने वर्डप्रेस को। बहुत सिंपल है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, जहां पे हम अपनी वेबसाइट बनाने वाले, वर्डप्रेस के ऊपर बनाने वाले। मनी बैक गारंटी आपको मिल जाता है 30 दिन के अंदर, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आपके पूरे के पूरे पैसे वापसी कर देंगे। अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन, जैसे मन करे वैसे कस्टमाइज कर सकते हो, जिस तरीके से वेबसाइट को डिज़ाइन करना, फॉर्म करना, उस तरीके से हो जाएगा। वाइट लेबल होता है सबसे ज़्यादा बढ़िया, सबसे बढ़िया चीज़ वाइट लेबल का मतलब ये होता है कि दूसरी कंपनी की यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं होगी। कहीं से अगर हम होस्टिंग खरीदते हैं तो उनका नामो निशान कहीं पे नहीं होगा या दूसरी कंपनी का लोगो वगैरह नहीं होगा। तो अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है। 24/7 वर्डप्रेस एक्सपीरियंस सपोर्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हैक होता है, कुछ भी चीज़ होती है, तो वो होस्टिंग वाले जिम्मेदार है। आप उनसे चैट पे बात कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, उनको ईमेल कर सकते हो, वो तुरंत आपका रिप्लाई करेंगे। वेबसाइट में कुछ भी कमी है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कस्टमर सपोर्ट आपकी मदद करेगा और आपकी हेल्प करेगा। चीप एंड अफोर्डेबल, ये सस्ती रहती है, अभी आप सोच भी नहीं सकते कितनी सस्ती रहती है। आप सोचोगे फ्री की है, पता है ये फ्री वाले से लाख गुना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बहुत सस्ती है, अफोर्डेबल है, हर कोई बना सकता है, हर कोई ही बना सकता है। अभी आगे मैं दिखाने वाला हूँ कितनी सस्ती हो। यू कैन मेक 10 times मोर मनी देन द होस्टिंग कॉस्ट इन 1 year। अब ये चीज़ मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं ये ऐसे बोल सकता हूँ, हमने अपनी वेबसाइट बनाई बहुत सस्ती होस्टिंग के ऊपर, हमने बनाई थी पहले चीप होस्टिंग के ऊपर, फिर हमने बाद में अच्छी होस्टिंग के ऊपर शिफ्ट करा जो चीप भी थी और अफोर्डेबल भी थी, ठीक है, उस पर हमने शिफ्ट करा, मैं बताऊँगा। और ये करने के बाद यू कैन सी द रिजल्ट, हमने 62 lakh के आसपास जनरेट करा। अगर मेरी वेबसाइट नहीं होती तो इतना पैसा मैं कभी नहीं बना पाता। तो वेबसाइट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत सीरियसली लेके चलो। मैं पूरा इंप्लीमेंटेशन वर्क आपको करके दिखाने वाला हूँ किस तरीके से वेबसाइट बनेगी। तो ये समझ लो, इस बिजनेस के अंदर वेबसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वेबसाइट है तो ही पैसे कमा पाओगे, अदरवाइज पैसे नहीं कमा पाओगे। तो अब चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने पेड होस्टिंग और फ्री होस्टिंग के दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर लिया और कौन सी बेस्ट है ये भी हमने आपको बता दिया है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को
इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ अपने टीम मेट से जिसका नाम है निलेश, और वो होस्टिंग के अंदर, टेक्निकल चीज़ों के अंदर, डोमेन के अंदर और वेबसाइट बिल्डिंग के अंदर बहुत अच्छे हैं, और यही रीज़न है कि हमने उनको बुलाया। उनकी ऑब्जर्वेशन के अंडर में मैं करने वाला हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए और वो सारे स्टेप बताएंगे। और ये नर्सरी क्लास का बच्चा भी वेबसाइट बना सकता है, ये इतना ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि होस्टिंग होना, अच्छी होस्टिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे हमारे GoDaddy के ऊपर प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ये सारे GoDaddy के ऊपर हमारे पहले प्रोडक्ट है, बट नॉट अ गुड होस्टिंग, क्योंकि हम बहुत सफर कर रहे हैं। एंड रिसेंटली हमने होस्टिंगर को ले लिया, हमारा थोड़ा सा बड़ा प्लान है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हमारा प्लान काफी बड़ा है, हमारे पूरे प्रोडक्ट जितनी भी हमारी कंपनीज है सब हम GoDaddy से शिफ्ट करके होस्टिंगर पे लेके आ रहे हैं, बेस्ट होस्टिंग है। निलेश, कैन यू कम ऑन द कैमरा मैन? या हाय हाय। सो निलेश, हमारा जो डोमेन हमने परचेज किया है, पहले थोड़ा सा इनको प्लान के बारे में बता देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो होस्टिंग के लिए, इनके लिए सबसे बेस्ट जो रहने वाला है वो वर्डप्रेस होस्टिंग रहने वाला, राइट? हाँ, वर्डप्रेस होस्टिंग, बिकॉज़ जो हम प्लेटफॉर्म यूज करेंगे वो वर्डप्रेस होगा, सो द बेस्ट होस्टिंग विल बी दैट ओनली। ओके ओके। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि होस्टिंग बहुत महंगा आता है, वेबसाइट बनाना बहुत महंगा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 69 रुपीज मंथली से स्टार्ट होता है, 69 रुपीज। आप वन वेबसाइट बना सकते हो, 50 GB की आपको SSD मिलेगी, 10,000 विजिटर आ सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, और SSL फ्री मिलता है। और जो मेरा पहले GoDaddy का था उसमें SSL फ्री नहीं मिलता था, और उसके लिए मुझे साल में 4,000-5,000 रुपए खर्चने पड़ते थे। तो दिस इज द बेस्ट होस्टिंग। आप अपने हिसाब से जो भी चीजें आपको लगती है कि कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है, जैसे आपको लगता है 10,000 से ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगा तो आप ये ले सकते हो, आपको लगता है 25,000 से ज्यादा आ जाएगा तो आप ये ले सकते हो। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर इस वाली होस्टिंग का, जिसके बेस्ट ऑफर हमने कंपनी से बात की है। कंपनी से बात करने के बाद हम आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आए हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप उन ऑफर को ले सकते हो और अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हो। ऑलराइट, तो निलेश स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे करना है। या एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं एक और चीज ऐड कहना चाहता हूँ, इनका जो होस्टिंग प्लान है जिसमें 100 वेबसाइट है, उसमें आपको सब वेबसाइट के लिए SSL फ्री मिलेगा। लाइक बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि लाइक खाली वन वेबसाइट के लिए मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ हमें होस्टिंग मिल रही है, प्लस डोमेन भी फ्री मिल रहा है ना। यस, जो इनका सेकंड प्लान लेंगे तो उसमें डोमेन भी हमें फ्री मिलेगा, फर्स्ट वाले में नहीं मिलता। फॉर वन वेबसाइट फ्रॉम सेकंड प्लान वी आर आल्सो गेटिंग द .com डोमेन फ्री। अमेजिंग। तो इस वाले प्लान के लिए 139 रुपीज मंथ के लिए आपको वो मिलता है, और 3 महीने का फ्री भी है। या 3 महीने का जो सपोर्ट है एंड जो बेसिक जो भी प्रोटेक्शन है वो आपको डोमेन की फ्री मिलेगी फॉर फर्स्ट 3 months। ठीक है, कूल। तो ये हमारा होस्टिंगर का पैनल हो गया कि जैसे हमने होस्टिंग परचेज कर ली है, हमने डोमेन भी अपना परचेज कर लिया, बस इसको इंस्टॉल कैसे करना है हम वो बता देते हैं। ये आपका होम हो गया, यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगा, होस्टिंग आ जाएगा और डोमेन आ जाएगा। तो हमें डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है। निलेश, तो हमारा ये है agencygyan.com। Yes। तो हमने इस पे यहाँ पे क्लिक करा, एंड यहाँ पे हमें क्या डालना है, एजेंसी ज्ञान। या तो इसको एक काम कीजिए, इसको आप क्लोज कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे अलग डोमेन चूज करने का बताया। अब हमें वेबसाइट, हमें अपनी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आप वेबसाइट वाले ऑप्शन पे चाहिए मेन्यू में, ठीक है। या नाउ गो डाउन एंड यहाँ पे हमें ऐड न्यू वेबसाइट पे क्लिक करना है, क्रिएट अ माय क्रिएट अ वेबसाइट। या नाउ क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। यस, ठीक है। निलेश, मैं ना ये सारी चीजें खुद कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं गलत होगा ना जस्ट लेट मी नो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता लग जाए कितना ज्यादा आसान है, राइट? या श्योर। तो एक बार शुरू से लेके जाते हैं यहाँ पे। तो आपको सीधा सिंपली वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट पे क्लिक करना है। हम माइग्रेट नहीं कर रहे, हम नई वेबसाइट बना रहे हैं, तो क्लिक यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम वर्डप्रेस के थ्रू बनाने वाले हैं। तो सीधा वर्डप्रेस पे हम क्लिक कर रहे हैं, एंड यहाँ पे ईमेल आ गया, एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, एंड यहाँ पे पासवर्ड। निलेश, इसका कुछ भी पासवर्ड डाल दीजिए, ये आपके वर्डप्रेस का पासवर्ड होएगा जब हम वर्डप्रेस में लॉगिन। ठीक है, तो हमने पासवर्ड डाल दिया, एंड लेट क्लिक ऑन कंटिन्यू। हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देंगे, एंड यहाँ पे हमें स्किप कर देना है, बिकॉज ये सब प्लगइन्स के लिए कह रहा है कि लाइक बाय डिफॉल्ट आपको कौन से प्लगइन चाहिए। ठीक है, और अब ये बोलता है कि थीम हमें कौन सी चाहिए। हम थीम इसमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि थीम के लिए हम अलग चीज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इनकी पेज स्पीड वगैरह काफी स्लो हो जाती है फिर उसकी वजह से।
उसके बाद सेलेक्ट अ डोमेन आ गया, हमें एजेंसी ज्ञान करना है, एजेंसी ज्ञान को सेलेक्ट करा एंड नाउ एग्जिस्टिंग प्रोफाइल, ऐड न्यू प्रोफाइल, एग्जिस्टिंग ही कर देते क्योंकि निलेश ही मेंटेन करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप एंड फिनिश सेटअप, बस बन गई हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट। बस इट्स सो सिंपल, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता है, राइट निलेश? लोग बहुत एक्सक्यूज बनाते हैं, ये बहुत टेक्निकल है, ये सारी चीज है, वो सारी चीज है, और निलेश को बुलाने का पर्पस यही था यहाँ पे कि वो ऑब्जर्व कर सके। मुझे भी आज तक नहीं आता था कि होस्टिंग और डोमेन को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा सिंपल है कि आप लोगों ने देखा, मैंने खुद खुद करा। अगर थोड़ी सी भी गाइडेंस की जरूरत पड़ी तो निलेश ने मुझे बता दिया। इस वीडियो को देख के आप पूरा प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हो। अब वर्डप्रेस कैसे खुलेगा वो सारी चीजें देख लेते हैं। ओके, अब ये कह रहा है एडिट योर वेबसाइट। अब हम वेरीफाई यू आर अ ह्यूमन एंड ओके, ये अभी खुल रहा है। ब्रावो, हम अपनी वेबसाइट के अंदर आ गए हैं। दिस इज अ वर्डप्रेस एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इस वर्डप्रेस को पूरा सेटअप करोगे, पेजेस क्या होते हैं, पोस्ट क्या होता है, किस तरीके से थीम अप्लाई होती है, बहुत सारी चीजें। यहाँ पे हमारी वेबसाइट अभी बन चुकी है, राइट निलेश? या वेबसाइट बन गई है एंड वेबसाइट इज लाइव। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा एजेंसी ज्ञान.com, लेट्स सी कुछ आएगा कि नहीं आएगा। ब्रावो, ये खुल गया agencygyan.com। अब बस हमको इनको एडिट करना है, चीजें बनानी है, वेबसाइट बिल्ड करनी है, सारी चीजें, और मेरा जितना भी पूरा बिजनेस है, जितनी भी हमारी वेबसाइट है, सब कुछ हम लेके आए हैं होस्टिंग घर के ऊपर, बिकॉज ये बेस्ट है। आपको डोमेन खरीदना है यहाँ से खरीदो, आपको होस्टिंग खरीदनी है यहाँ से खरीदो, और डिस्काउंटेड रेट पे हमने होस्टिंग घर से स्पेशली बात करके आप लोगों के लिए डिस्काउंटेड लिंक लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा होस्टिंग घर की होस्टिंग है, वहां पे क्लिक करके आप डोमेन और होस्टिंग दोनों बाय कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये चीज करना ही नहीं चाहते हैं। वो मैंने देखा है कि पहले वाले हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी बहुत सारे लोगों को ना प्रॉब्लम आते थे कि नहीं, हम वेबसाइट नहीं बना पा रहे, मतलब इतना सिंपल होने के बाद भी। आई रिकमेंड कि आप सब लोग खुद बनाएं, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल से बनवाने जाएंगे इट विल कॉस्ट यू हाई, राइट निलेश? अगर आपके पास समय होगा, अगर आपको हमारे स्टूडेंट की किसी की वेबसाइट बिल्ड करनी होगी जो बिजनेस ओनर्स है, आप उनका कितना चार्ज करोगे? एक्चुअली समय तो निकालना थोड़ा मतलब मुश्किल है, बिकॉज लाइक लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन, बट लाइक द प्राइसिंग स्टार्ट फ्रॉम 25,000 प्लस जीएसटी एंड इट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। लाइक आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देखेंगे कि आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए। लाइक किसी को ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए या कोई डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट, तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्टिंग आएगी, बट द स्टार्टिंग कॉस्ट इज 25,000 प्लस जीएसटी। अमेजिंग, ओके, तो ये क्लियर हो गया सबको कि अगर किसी को हमसे वेबसाइट बिल्ड कराना है तो 25,000 प्लस 18% जीएसटी, अगर वेरी करता है ई कॉमर्स वगैरह उसके डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, राइट निलेश? या ओके, और अगर आपको चाहिए बनवाना है हमसे या हमारी टीम से बनवाना है, निलेश से बनवाना है, तो सिंपली आप मेल कर सकते हो connect@digitaldehra.com, वहां से आपका मेल आएगा, हम देखेंगे कि सारी चीज सही है नहीं है, उसके बाद वी विल फर्दर द प्रोजेक्ट, राइट? या आई होप गाइज आपने अपने ब्लॉग को सेटअप कर लिया होगा, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया होगा। अगर हमारे साथ साथ चलोगे तो बहुत ग्रो कर जाओगे और बहुत पैसा कमा जाओगे, लेकिन एक भी स्टेप को मिस करते हो शायद वहीं पर रह जाओगे आज जहाँ पे हो। तो जल्दी से अगर अभी भी ब्लॉग सेटअप नहीं हुआ तो बना लो, और काम कंप्लीट करने के बाद अपना नीचे करो I am done। जितने भी लोगों को कमेंट आएंगे मेरी टीम उनको मैन्युअली चेक करने वाली है और सबका रिप्लाई करने वाली है, तो जल्दी से अपने ब्लॉग को सेटअप करो। सेकंड चीज आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी चीजें शेयर करने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब पे वो सारी चीजें नहीं हो सकती है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड,
अब जो हमारा नेक्स्ट लेसन आने वाला है, लेसन 4 जो आने वाला है, उसके अंदर हम पूरी वेबसाइट को ब्यूटीफुल तरीके से बनाने वाले हैं। पेजेस कैसे बनते हैं, ब्लॉग क्या होता है, पोस्ट क्या होती है, सारी चीज़ें वर्डप्रेस के अंदर कितने फंक्शनल होते हैं, सारी चीज़ें कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट को अच्छा बनाना है, सुंदर, जैसे डिजिटल दहरी एक वेबसाइट हमने बनाई है, हमारी एजेंसी की कंपनी है, उसको हमने वेबसाइट को बिल्ड करा है, क्या कलर इस्तेमाल करने, क्या क्या सारी चीज़ें, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले, इवन ये तक डिस्कस करने वाले कहाँ से थीम लगानी है, कैसी थीम लगानी है, सब कुछ बहुत डिटेल में। तो नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, क्लिक करो, स्मैश करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो लेसन 4 आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। याद से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको पूरी डिजिटल मार्केटिंग सिखा के रहूंगा। और एक भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहती हो तो बेल आइकन को जरूर दबा देना। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एज ऑलवेज कीप योर जोश हाई।